सर, सीटी का मुद्दा पूरे हरियाणा में छा रहा है, विपक्ष भी इस पर पूरा अंगा लगा रहा है, और आप तो खैर देख नहीं लग रहे हो। क्या कुछ आपको लगता है सर, क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसा है, सीटी जो है वो सरकार का विषय है, जी क्योंकि पॉलिसी मैटर है। ये पूरा जो नोटिफिकेशन है सीटी का या जो ड्राफ्ट है वो सरकार ने तय किया है, और हमारे को तो सारी चीज़ें फाइनल करने के बाद उन्होंने दी है कि भर्ती इस तरह से होनी चाहिए। जैसे कि आप आज मिले, जी कुछ बच्चे हर रोज़ मिलते हैं इसमें, कि सीटी जो है 50% जनरल और 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग होना चाहिए, और जो फर्दर टेस्ट है उसमें 4 गुना की जो शर्त है वो हटनी चाहिए। ये बात मैंने सरकार के अधिकारियों के सीएम साहब के संज्ञान में ल्यान दी है। बाकी फैसला वहीं से होना है, और कहीं यूट्यूब पे या किसी के विचार किसी ने रखे, उन्होंने कहा कि ये 4 गुना नहीं है, क्वालिफाइंग है, जी ये झूठ बात है। अभी तक तो जो सीईटी के ड्राफ्ट में जो है, कल अमेंडमेंट हो जाए अलग बात है, पर अभी तक 4 गुना का ये है कि फर्दर टेस्ट 4 गुना ही लोग या कैंडिडेट दे पाएंगे। वैसे ये मामला सरकार के हाथ में है, सरकार करना चाहे तो कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है इसमें। इसमें प्लस बात तो ये है कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जी सरकार सोचने पे तब मजबूर हो अगर कोई किसी को आपत्ति है। इसमें बड़ी संख्या में लोग, इसको कैंडिडेट युवा चाहता है कि ये 4 गुना की शर्त जो है ये नहीं होनी चाहिए। पर जी ये फिर मैं कह रहा हूँ कि पॉलिसी मैटर है, सरकार ने इस सारी चीज़ों को देखना है। जो सरकार की तरफ से नॉर्म्स और इंस्ट्रक्शंस तय होंगी, जी हम तो उसके हिसाब से भर्ती करने के लिए बिल्कुल बाध्य होंगे एक तरह बात से। है जी। देखो, ये बात मैं कई मित्रों को कहती हूँ भाई, एचएसएससी के हाथ में नौकरी देना नहीं है, एचएसएससी के हाथ में एग्जाम लेना है, उसके बाद सरकार एक निष्कर्ष निकालती है वो कैस किस तरीके से। सर, दूसरा मुद्दा है पीटीआई भर्ती का, लगभग 450 पोस्ट हैं पीटीआई में, और कुछ तो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके दो दो महीने रिटायरमेंट के रह चुके हैं। क्या लगता है उनका कुछ होगा या नहीं होगा? पीटीआई की जो समस्या रही है, जी ये ठीक है कि एक्सपर्ट की कमेटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ने कुछ 4-5 क्वेश्चनों को कह दिया कि सबको बेनिफिट दें, और लगभग सब लोगों के नंबर कैंडिडेट्स के बढ़ गए हैं। जी तो जब हमने उसी हिसाब से इवेल्युएशन करना शुरू किया जी तो हमारे सामने जो है वो चौंकाने वाली बातें सामने आई, कि अच्छा जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं जी उनका खुद का ही ये दोष है कि ये भर्ती अब तक लटक रही है। वैसे तो ये कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, जी पर मैं ज़्यादा कुछ कॉन्फिडेंस रखता नहीं अपने मन में, जी कि क्योंकि मेरे प्रति द्वेष बनाए कोई कैंडिडेट कि क्यों नहीं दे रहे हैं रिजल्ट, या कुछ और तो नहीं है इनके पर्पज इनका। जी तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 42 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सीट पे अपना सीरियल नंबर ही नहीं लिखा, कि उसके पास ए आना चाहिए था, बी था, सी था या डी था, तो उसकी कौन से उससे इवेल्युएशन करें। अब हमने सारी सीटिंग प्लान निकालनी पड़ रही है, हमने देख रहे हैं कि उस सीरियल नंबर के आगे कौन था, पीछे कौन था, अगले पिछले पे कौन था, सारे तो काम लगन लगा इसका रहे सी बिल्कुल। और जैसे कि मैंने आपको इसमें व्हाट्सएप पे भी दिखाया जी कि क्वेश्चन पेपर जो बबल भरने होते हैं जी वो लगभग 80% जिसके ठीक बबल भरा हुआ है, मशीन उसी को उठाती है जो जी स्कैनिंग मशीन इवेल्युएशन जी करती जी है। इन महोदयों ने 25%, 20%, 10%, और किसी ने तो बबल भरा ही नहीं। अगर उसका क्वेश्चन डी है तो डी सही लिख तो दिया, डी लिख दिया डी के ऊपर ही। तो इस तरह की हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, और ये 7,500 हमने मैनुअली चेक करने पड़ रहे हैं, कुछ हमने कर लिए। और ये जो समस्या है, चलो उन्हें तो जो कुछ समस्या पैदा कर दी वो ठीक है, पर हम इसको जल्दी ही इसी हफ्ते में सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो भाई, मतलब जिन्होंने इतने साल हो गए पढ़ाते ने, आज वो उस बबल्स के अंदर ऑप्शन ए लिख दे ना कि उसको भरने की बजाय, ये मिस्टेक आपकी है, और अपना कोड ही नहीं लिखा, बी है, सी है, डी है। अब चेयरमैन साहब ने बताया कि भाई दो तीन आदमी आगे देखकर फिर हम देखेंगे भाई इसका कौन सा कोड हो उसका है। सारे पेपर दोबारा चेक करे जाऊंगे या गलती? कैमरे के सैंपल में दिखा देता हूँ कि इन महोदय ने कैसे भरा हुआ है, और ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस है कि बबल्स को बिल्कुल गोलाई में और 80% तक भरना है।
कि इन्होंने तो टिक मार की हुई है, बबल भरने की बजाय टिक मार किए हुए है। तो इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। अगर इसी लेवल पे हम रिजल्ट निकाल देते हैं और कल आरटीआई में कोई आपकी या किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट की ओएमआर मांग ले और जाके वो ऑब्जेक्शन करेगा कि इंस्ट्रक्शन से बाहर जाके इन्होंने इसको पास कर दिखाया था, सी भी लिख रखा था, डी भी लिख रखा था जी, वो, भी है। वो भी हम देखेंगे। मतलब बड़े आश्चर्य की बात है, इतने साल उन्होंने पढ़ाते हुए हो गए, एग्ज़ाम उन्होंने दे दिया और एग्ज़ाम में ऑप्शन सी भर दिया, ऑप्शन डी भर दिया, वो पूरा भरना होता है बबल, लेकिन वो सी लिख दिया, ऑप्शन ए लिख दिया, ऑप्शन डी लिख दिया। जी जी, बबल भरने की बजाय डी के ऊपर डी कर दिया, तो हम इसको सही माने या गलत माने? अगर इसको गलत माने, अगर इसकी इवैल्यूएशन हम मैनुअल करते हैं तो ये कैंडिडेट पास मार्क में आ रहा है, वैसे बबल्स भरने की गलती में ये जीरो नंबर पे जा रहा है। तो इस तरह की कुछ समस्याएं हैं, फिर भी हम इनको जल्दी सॉल्व करने वाले हैं जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आता है ड्राइंग्स टीचर का, सर उसमें 500 सीट कह रहे हैं बचेंगी, जिनमें 120 130 आईटीआई के भी हैं, और कह रहे हैं कि अगर आप उसमें थोड़ा सा गुजारिश कर दो, क्योंकि ऐसा जेबीटी में हुआ है, अगर आप ड्राइंग टीचर को लेकर सोच लें तो कुछ नहीं, 816 पोस्टें हैं जी, और जो ज़्यादातर बच्चे सेलेक्ट हुए थे जी, वो हुए थे जो कोरस्पोंडेंस या डिस्टेंस एजुकेशन से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पास आउट थे। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और एक तरह से कहा कि ये नॉट एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो दूसरे क्वालिफाइंग कैंडिडेट थे जी, या लो मेरिट में थे जी, या इन सेलेक्टेड में मेरिट में हैं, वो आईटीआई से किए हुए हैं जी, जो एलिजिबल हैं जी। तो अब माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे को आदेश दिया है कि 2 महीने के अंदर अंदर उनकी सिलेक्शन करें आप, तो हम उस मेरिट को अगर डाउन करनी पड़ेगी डाउन, या सिलेक्टेड कैंडिडेट में से जो आईटीआई से पास आउट हैं उनकी जल्दी ही हम रेकमेंडेशन करने वाले हैं, जल्दी ही। मतलब 120-130 स्टूडेंट ऐसे हैं? बिल्कुल, ये लगभग 200 भी कैंडिडेट, जो 200 भी सीटें नहीं भरेंगी और ज़्यादातर पोस्टें खाली रहेंगी, क्योंकि इसमें जो क्राइटेरिया था वो 50% और 45 का था, कि 50% नंबर जनरल को और 45% रिजर्व कैटेगरी को लेने अनिवार्य थे, इसलिए ये कंडीशन जो है ये सारे बच्चे फुलफिल नहीं करते जी। एक सवाल हमारे दीपक भाई का, हरियाणा पुलिस को लेकर, हरियाणा पुलिस की जो ज्वाइनिंग है सर वो अटकी हुई है, उसमें अगर कुछ हेल्प हो जाए, बहुत सारे बच्चे उनको पजल हैं, वो समझ नहीं आ रहा कि अब आगे तैयारी करें या कैसे, मतलब समझ नहीं आ रहा सर। जी सर, इसमें भी मैं कहीं ना कहीं, आप फिर कहेंगे कि कैंडिडेट के दोष निकाल रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं कैंडिडेट का दोष है। हमने माननीय कोर्ट के सामने 4 फार्मूले रखे थे और ये कहा था आप ही प्रूव कर दो जो फार्मूला आपको ठीक लगे, और उसकी 6 तारीख थी, 6 तारीख की भी इंतज़ार नहीं की कैंडिडेट्स ने, और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया हमारे कार्यालय के सामने, सीएम साहब जहां जाएं उनका घेराव करें, और हमारे पास प्रेशर बना दिया, तो हमारे जो 21% मेथड लगाया था उससे रिजल्ट निकाल दिया, उसको जाके फिर बाद में कैंडिडेट्स ने ही चैलेंज किया, और अब कोर्ट की तरफ से स्टे है, हमारी तरफ से तो रिजल्ट आ चुका है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो। एक तो ये धैर्य और संयम रखना चाहिए था कि फार्मूला अगर कोर्ट ही बता देती तो आज कोर्ट स्टे नहीं देती, वो कहती कि मेरा ही अप्रूव्ड फार्मूला है, फिर भी कोर्ट ने अब स्टैटिकल इंडिया जो है उसको और एसएससी जो सेंटर के एसएससी है उसके 2 प्रतिनिधियों कोर्ट में बुलाया था, उन्होंने सारा फार्मूला जज साहब के सामने समझा दिया है, वो जज साहब लगभग सहमत हैं, क्योंकि फार्मूला सारी दुनिया में चलता है, कोई नया तो एचएसएससी लेके नहीं आई, सब रिक्रूटमेंट एजेंसियाँ 21% मेथड अपनाती हैं। सर अंतिम प्रश्न है एबीपीजी को लेकर, सर एबीपीजी को क्या लगता है, अब ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल, जो रिजल्ट स्टे थी वो ज्वाइनिंग पे थी, ना कि रिजल्ट पे। अगर हमारी तरफ से कोई 1-2 रिजल्ट बकाया है तो हम तो जल्दी ही इस महीने में निकाल देंगे, पर ऑफिसर्स से मेरी प्रार्थना है कि वो ज्वाइनिंग कराएं। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है, इफ एंड बट क्या कारण रह गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वाला देखे, जल्दी से जल्दी उन विभागों के अधिकारियों को ईपीपीजी के कैंडिडेट्स को ज्वाइन करा लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं, इससे ज़्यादा तो उनकी संयम भी
जवाब दे चुका है। जी सर, हरियाणा के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की भर्ती होती है फिर वो अटक जाती है इस तरीके से लेके, हरियाणा बड़े एक्साइट भी हो जाते हैं और कई बार मामला इस तरीके से बिगड़ जाता है कि अपना आपा भी हो। कैंडिडेट्स के साथ मेरी शुभकामनाएँ हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटी को क्वालिफाई करें और जो हमारा टेस्ट है अगला उसकी भी तैयारी वो अभी से शुरू कर दें, क्योंकि सीटी का जो रिजल्ट है वो दिसंबर माह में आने वाला है और हम जो पोस्ट के अंगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट जनवरी और फरवरी में करेंगे, तो अभी से बच्चे तैयार रहें, उनकी योग्यता को इग्नोर नहीं किया जाएगा और उनका परिश्रम जो है बिल्कुल काम आएगा। जी एक सर, वैसे बच्चों की तरफ से ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि जैसे एसएससी अगर हमें कुछ बता दे, जैसे एसएससी बता देता है कुछ, अगर ऐसा हो जाए कि भाई हरियाणा बोर्ड की तरफ से भी कुछ ऐसा चाहे एक भाई इतने क्वेश्चन इस चीज़ के, ऐसा कभी ये पॉसिबल हो जाए तो सर कुछ हेल्प हो जाएगी बच्चों? ये बिल्कुल हमने एनटीए की बार बताया था और हम एडवर्टाइजमेंट करने के बाद बिल्कुल सिलेबस डालेंगे हर पोस्ट का और ये बताएंगे कि क्वेश्चन इस तरह से पैटर्न आएगा, क्वेश्चन की संख्या नहीं बता पाएंगे हम कितने मैथ के आएंगे इतने आएंगे, पर पैटर्न और लेवल हम जरूर बताएंगे कैंडिडेट को। की बात जो भर्ती रुकी हुई है उनके भी रिजल्ट आ जाएंगे सर मुझे? बिल्कुल, इसी माह में हमारे पास सिर्फ 12/19 के रिजल्ट रहते हैं जो ITI इंस्ट्रक्टर के, वो नवम्बर माह में ही सारे कम्प्लीट कर लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। देखो भाई, दिल से ही कहूँगा मैं, ऐसे चेयरमैन नहीं मिलेंगे आपने, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारे काम होने हैं और जो कॉन्फिडेंशियल है वो बातें भी आपको बता दें, ऐसा आदमी भी कहीं नहीं मिलेगा। तो भाई HSSC डिपार्टमेंट को लेकर अपना नेचर थोड़ा सा पॉजिटिव करें, सरकार के खिलाफ आपने जो करना वो आपकी इच्छा है भाई, यह वीडियो फिलहाल इतनी है। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।